नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम सदी के महान इंसानों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन या जनता के राष्ट्रपति के भी नाम से जाना जाता है, आज हम इनके जीवन के प्रमुख बातों को जानेंगे। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम ए अब्दुल पी पाकिर जे जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता जी का नाम असियम्मा था। कलाम जी के पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। कलाम जी स्वयं 5 भाई बहन थे, जिनमें वह सबसे छोटे थे। परिवार बड़ा होने के कारण कलाम जी बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिए थे। परिवार में सहयोग देने के लिए सुबह रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन सहित लोगों के घर तक जाकर समाचार पत्र बेचा करते थे। दोस्तों, कलाम साहब का यह आत्मनिर्भर होने का पहला कदम था। दोस्तों, वे देर रात तक जाकर केरोसिन तेल से जलने वाले लालटेन को जलाकर पढ़ाई अपना पूरा किया करते थे। कभी कभी लालटेन में केरोसिन तेल खत्म हो जाने के कारण रात में उनका पढ़ाई भी रुक जाया करती थी। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक प्राप्त किए। स्नातक पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए DRDO में प्रवेश किए। हावरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन होता है जो जल जमीन के साथ साथ बर्फीला सतह और कीचड़ पर भी आसानी से दौड़ सकता है। 1972 में कलाम जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। कलाम जी ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के निकट स्थापित किया। और यही नहीं, कलाम जी ने अग्नि और पृथ्वी जैसे कई स्वदेशी तकनीक के प्रक्षेपास्त्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए। भारत को शक्तिशाली देशों में शामिल करने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। 11 मई 1998 की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण कलाम जी के ही देखरेख में किया गया था। कलाम जी का कहना है कि 200 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से ही होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार भी रहे। भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्हें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 2002 को APJ अब्दुल कलाम 90% बहुमत के साथ भारत के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, कलाम जी बेहद अनुशासन प्रिय थे और वे शाकाहारी भी थे। इन्हें भारत के युवाओं द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक में लिखी है। 1907 में इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ। ये वैसे राष्ट्रपति थे जो जीवन भर अविवाहित रहे। दोस्तों, इनका मानना था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड ने उनके आगमन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का घोषणा किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाने के बाद उनका देहांत हो गया। दोस्तों, आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि उनके अंतिम संस्कार में 3.5 लाख लोगों से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के 3 सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक दिया जा चुका है। और ऐसे व्यक्ति बने जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पा चुके थे। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी का एक कथन है, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों दी गई जानकारी को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब